एक चीज खो चुके थे जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते थे। कहां जाने वाले हैं राहुल और टीना? कैसे मिला अमन से राहुल? क्या पता चलता है अमन को? हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अंकिता। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपके लिए एक गुड न्यूज है। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कहानी में अमन यानी कि रणवीर कपूर अंजलि कृति सेनन के अपने दिल की बात कहता है। इधर राहुल यानी कि रणवीर सिंह अंजलि के गलत पते पर पहुंचने के बाद टीना यानी कि आलिया भट्ट से शादी की तैयारियां शुरू करने का बोलता है। टीना के सामने अंजलि का बरसों पुराना सच सामने आ जाता है कि वो राहुल से प्यार करती है। राहुल जब वापस आता है तो टीना उससे ये बात बताने की कोशिश करती है, लेकिन तभी राहुल उसे बताता है कि अंजलि और उसका पूरा परिवार वहां से बहुत पहले ही कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं। टीना सोचती है कि अब ये बात बताकर कोई फायदा नहीं। कुछ ही दिनों में राहुल और टीना की शादी हो जाती है। राहुल कई महीनों से अपने काम में बिजी रहता है। टीना बार बार उससे ये कंप्लेन करती है कि वो दोनों शादी के बाद कहीं भी घूमने नहीं गए और राहुल हमेशा की तरह उसे टाल देता है। एक दिन राहुल के ऑफिस में उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है। राहुल इस प्रोजेक्ट के बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि ये नैनीताल का प्रोजेक्ट है। राहुल के पास उस कंपनी का फोन आता है और वो लोग राहुल को मीटिंग के लिए नैनीताल बुलाते हैं। राहुल घर आकर टीना को ये सरप्राइज देता है कि वो लोग नैनीताल जा रहे हैं। टीना बहुत खुश हो जाती है। नैनीताल जाकर उसे पता चलता है कि राहुल उसे अपने काम की वजह से यहाँ लेकर आया है। राहुल इस बात के लिए टीना से माफी मांगता है और उसे मीटिंग के बाद घुमाने लेकर जाता है। जब राहुल मीटिंग के लिए चला जाता है तो टीना भी पास के स्टोर में शॉपिंग करने का सोचती है, जहां पर उसकी मुलाकात अंजलि से होती है। अंजलि को इतने सालों के बाद देखकर टीना काफी खुश हो जाती है और उससे कई सारे सवाल पूछने लगती है। तब तक अंजलि देखती है कि टीना के मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र है। अंजलि पूछती है, राहुल नहीं आया? टीना उसे बताती है कि वो मीटिंग के लिए बाहर गया है। अंजलि उससे शादी की बधाई देती है और अपने घर के एड्रेस देकर उसे घर आने को बोलती है। तब तक अमन वहां आता है और अंजलि को लेकर चला जाता है। अमन रास्ते में अंजलि को ड्रॉप करते हुए अपने ऑफिस पहुंचता है। इधर राहुल प्रोजेक्ट ओनर का वेट करता है और ये प्रोजेक्ट ओनर कोई और नहीं बल्कि अमन ही है। अमन और राहुल दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और डील फाइनल कर लेते हैं। अगले सीन में अमन घर आता है तो अंजलि की मम्मी उसे बताती है कि वो अपने रूम में है। अमन अंजलि के रूम में जाता है और देखता है कि अंजलि सो रही थी। तब तक अमन की नजर अंजलि की डायरी पर पड़ती है। अमन उस डायरी को उठाता है तो डायरी गिर जाती है और उसके साथ ही उसमें रखी राहुल की फोटो भी गिर जाती है। अमन पहचान जाता है कि आज वो राहुल से ही मिला था। अमन उस डायरी में अंजलि और राहुल के बारे में सब कुछ पढ़ लेता है और अब वो किसी भी कीमत पर अंजलि को राहुल के पास जाने नहीं देना चाहता। क्या करने वाला है अमन? स्टोरी से जुड़े व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।